आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर है बृहस्पति आपकी कुंडली यानी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में। डिटेल्ड बात होगी सप्तम भाव के बृहस्पति के फलादेशों की, विशेष गुणों की। मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ में साझा करूंगा। बात होगी निशानियों की, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि बृहस्पति सप्तम भाव में आपको कैसा फल दे रहा है, ऐसे व्यक्तियों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और सप्तम भाव के बृहस्पति को समृद्ध करने के क्या क्या है उपाय जिन्हें अपनाने पर अवश्य ही फायदा होगा आपका। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यह सबसे शुभ मुहूर्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, और याद से बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हम हर दूसरे दिन आपके लिए यूनिक कंटेंट लाते हैं ताकि इससे फायदा होता रहे आपका। तो आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति सप्तम भाव में हो अगर कुंडली के, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फला देश को। सातवां घर साझेदारी और व्यवसाय को दर्शाता है। विवाहित जीवन भी एक प्रकार की पार्टनरशिप यानी साझेदारी ही है। शादीशुदा जिंदगी सफल रहेगी और व्यक्ति एक वफादार, समर्पित और बुद्धिमान जीवन साथी के लिए भाग्यशाली होगा। व्यक्ति अपनी पति या पत्नी से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। व्यापारिक साझेदारी लंबी अवधि तक चला पाएंगे। यहां बृहस्पति एक साधु स्वभाव वाला है और यह घर शुक्र के साथ भी संबंध रखता है। यदि यहां बृहस्पति अशुभ हुआ तो परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी प्रभावित हो सकती है और रिश्तों में विश्वास की कमी हो सकती है। सातवें घर में बृहस्पति कई बार जल्दी विवाह का योग भी बनाता है। इस घर में बृहस्पति वाले व्यक्ति धार्मिक, शिक्षित, विद्वान, जानकार और सहायक होते हैं। आइए आप जानते हैं क्या होती है विशेषताएं सातवें घर में अगर हो बृहस्पति। सातवां घर शुक्र का है, इसलिए बृहस्पति यहां मिश्रित परिणाम देगा। व्यक्ति के विवाह के बाद भाग्योदय होगा। व्यक्ति धर्म के कार्यों में सम्मिलित होगा। इस घर का अच्छा परिणाम चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी या धर्म प्रेमी होगा। यदि बुध नौवें घर में है तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कठिनाइयों से भरा होगा। अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है तो भाइयों का समर्थन कभी नहीं मिलेगा। सातवें घर का बृहस्पति पिता के साथ मतभेद का कारण भी बनता है। सातवें घर में बृहस्पति हो तो कभी भी किसी को कपड़े दान, अपने पहने हुए कपड़े दान नहीं करने चाहिए। आइए अब जानते हैं क्या कहता है मेरा अनुभव अगर हो बृहस्पति सातवें घर का स्वामी। ऐसे व्यक्ति की शादी के बाद ही किस्मत चमकेगी। ऐसा व्यक्ति सादा जीवन व्यतीत करने वाला होगा। अगर शानो शौकत के साथ जीवन व्यतीत करने वाला हुआ तो भाग्य का सितारा भी पूरी तरह से साथ देगा। परदेश में जायदाद बनाने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति यात्रा से लाभ प्राप्त करेगा। स्त्री की सलाह से कारोबार में तरक्की होगी। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु घर पर ही हो सकती है। घर में घंटा, घड़ियाल, शंखनाद और थाली की गूंज अच्छे फल प्रदान नहीं करेगी। घर पर मूर्तियां ना रखें। भगवे कपड़े वाले घुमक्कड़ साधुओं का साथ अच्छा फल नहीं देगा। पीले वस्त्र कम पहना करें। गृहस्थ जीवन अशांत रहता होगा। कड़ी मेहनत करने के उपरांत भी जीवन में कई बार सुखों की कमी होगी। चलिए अब जानते हैं क्या होती है निशानियां उनकी जिनका बृहस्पति है जन्म पत्रिका के सातवें घर में। घर में तोलने वाली मशीन होगी। घर में बड़ा सा मंदिर बना हुआ होगा। घर में किसी साधु संत से लिया हुआ ताबीज या यंत्र व्यर्थ ही पड़ा होगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या रखनी चाहिए सावधानियां अगर हो बृहस्पति सातवें घर का स्वामी। पीले वस्त्र, जी हां, पीले वस्त्र ना पहने। घर में रतिया, तुलसी, टूटी छतरी ना रखें। घर में घंटा, घड़ियाल, शंखनाद और थाली आदि ना बजाएं और ना ही इस तरह का सामान रखें। मेंढकों को, जी हां, मेंढकों को कदापि नुकसान ना पहुंचाएं। अपने घर के परिसर के भीतर मंदिर परिसर का निर्माण ना करवाएं। साधु और संतों से दूर रहें। धर्म के बारे में ज्यादा उपदेश ना दें। आइए जानते हैं उन कुछ उपायों के बारे में जो कि कर सकते हैं अगर हो बृहस्पति जन्म पत्रिका के सातवें घर में। भगवान शिव की आराधना करें। सोने को पीले कपड़े में लपेटें और फिर अपने पास रखें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। रोजाना स्नान के पश्चात केसर का तिलक
18 रन करें। अब कृपया ध्यान दें, यहां बताए हुए उपाय कुछ प्राय मात्र हैं, मतलब कि एग्जांपल्स हैं, और वैदिक ज्योतिष विद्या के द्वारा पता लगने वाले दुखों का निवारण करने के बेसिक सूत्र एवं सिद्धांत हैं। ईश्वरीय शक्ति सदैव व्यक्ति को बल प्रदान करती ही है, पर बहुत बार समस्या ज्यादा ही गहरी और विचित्र होती है। तो जैसे आप शारीरिक स्वास्थ्य के बिगड़ने की दशा में एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में अगर ज्यादा अंधकार, भय और कालिमा महसूस हो तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलने में बिल्कुल ना सकुचाएं और सही समाधान अवश्य ही प्राप्त करें। बताए गए उपायों के अलावा भी अन्य कई प्रकार की स्पेशलाइज्ड रेमेडीज हैं जो कि ग्रहों के दोषों को जड़ से खत्म करने में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करती हैं। अगर आप कहेंगे मैं हर तरह की रेमेडीज के विषय में वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं, बस आपको कमेंट बॉक्स में अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिख देनी है। आप और क्या नया जानना चाहते हैं उस प्रॉब्लम की दोष मुक्ति के लिए, शॉर्ट टर्म रेमेडी जानना चाहते हैं जो एक इमीडिएट बेसिस पर पेन किलर की तरह आपकी प्रॉब्लम को खत्म करे, या फिर जड़ से ही प्रॉब्लम को खत्म करने का सटीक तरीका जानना चाहते हैं, यह आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपके कमेंट और आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि किस तरह का कंटेंट आपके सामने लेकर आना है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको पसंद और समझ दोनों आ गई होंगी। जुड़े रहिए साथ में ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए जो कि होंगे आपकी ही जिंदगी के समरूप। चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके अवश्य बतलाएं। धन्यवाद।